हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है GTA 5 एपिसोड नंबर 12 पे। तो अभी देखो यार, हम लोग फिर से वापस से ट्रेवर के पास है, और ट्रेवर के पास ही रहना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टर जो है वो स्विच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ना ही हम फ्रैंकलिन के पास जा सकते हैं, ना ही हम माइकल के पास जा सकते हैं, रह सकते हैं सिर्फ तो ट्रेवर के पास, और ट्रेवर के जितने भी मिशन हैं वो कम्प्लीट करना पड़ेंगे। तो पिछले मिशन पे देखो ये क्या हुआ कि ट्रेवर जो है ये टीवी देख रहा था, और जो माइकल ने रॉबरी करी थी लॉस सेंटोस पे ज्वेलरी शॉप, उसकी न्यूज़ आ गई। और भाई माइकल का जो डायलॉग चलता है उसने ट्रेवर ने टीवी पे सुन लिया, तो बस और क्या, इसको शक हो गया कि भाई ये तो माइकल डी सेंटा है। इस वजह से ये अपने बंदे को बोल दिया कि भाई लॉस सेंटोस जाओ, वहां पे खोजो माइकल बोल के कोई भी बंदा है, या फिर उस रॉबरी में किसका हाथ है। और भाई बंदा पूरा का पूरा साइको है, नेक्स्ट लेवल वाला। तो अभी यहाँ पे मतलब इसके घर के हालत देखोगे ना भाई, सिर्फ मतलब नशे वाले सामान है, और फोन भी इसका टूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो पिछले वाले एपिसोड पे इसने द लॉस्ट गैंग, द काउबॉय गैंग के जितने भी मेंबर्स थे सबको बजा दिया है इसने अकेले। तो पूरी तरीके से गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है इसने। तो अभी नेक्स्ट मिशन करने वाले हैं क्योंकि कैरेक्टर बिल्कुल भी स्विच नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोगों को तो कम से कम इसका जितना भी मिशन है वो तो सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी ये जो विलेज साइड का जो टाउन है इसका, ट्रेवर का, यहाँ का इसने पूरा का पूरा गन्स का जितना भी मतलब काम होता है वो इसने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि जितने भी काउबॉय के बंदे थे सबको इसने फिनिश कर दिया। जो मेन लीडर था जो गन्स का काम करता था उसको भी ट्रेवर ने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। अगर पिछला एपिसोड आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो वीडियो सेक्शन से मेरे। तो अभी हम लोग यार इस बार के अंदर यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से। ओ भाई मार लो भाई, मार 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 मार। नो भाई, हम तो अभी अभी आए हैं, बैंड क्यों भाई? तो जो जीतेगा वो बैंड। तो ये भाई भाई क्या ही मतलब था भाई, बैंड करो भाई इसको, ये जीत गया बैंड। तो अभी देखो यहाँ पे चौंग या चौंग करके कोई बंदा आया है, और उसका एक वर्कर भी उसके साथ है। तो उसने कहा है कि जो इस बंदे का जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वो इसको मारने के लिए आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको बचाते हैं तो वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देने वाला है, ट्रेवर कॉरपोरेशन बोल के कुछ उसने कहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बंदे के साथ इसको सेव करना है। तो अभी हम लोग शेफ को पास जा रहे हैं। शेफ को ने मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि सेकंड मिशन है, ट्रेवर के साथ बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है। इसने फ़ोन किया नंबर से। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए जो हमारा मार्क पे लोकेशन है यहाँ पे। तो यहीं पे हम लोग को शेफ कहीं पे मिलने वाला है, और इन लोगों को बचाना है। तो ये आ गया हमारा शेफ, यही है शेफ हमारा। तो भाई ये जो चश्मा वाला ये है चेंग, और ये जो बगल में कोट टाई में बंदा वो है उसका वर्कर। तभी इन लोगों को छुपाना है क्योंकि बंदे यहाँ पे भी आएंगे। तो भाई देखे क्या ड्राइवर ने सोच के रखा है, क्योंकि कहाँ पे इसको फेंकने वाले हैं। ओ भाई डस्टबिन है भाई ये, तो डस्टबिन पे इन लोगों को फेंके जा रहा है, कोई नहीं। तो भाई चेंग देखो लो कितना खुश है, इसकी भी नंबर है। ये तो भाई नशे में पूरा धुत है, इस वजह से इसको देखो कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है इसको। तो इस शेफ के पास गन्स भी है भाई। तो अभी देखिए कौन सी गन्स मिलते हैं भाई, M4 भाई। तो सभी से सही बंदूक हम लोगों को मिल चुकी है M4। तो यहाँ पे बंदे पहुंच चुके हैं, उसके डैड के जितने भी गुंडे हैं सारे के सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन लोगों में रेज मोड के साथ हम लोग भाई ग्लास देख रहे हो क्या ही टूट रहा है ग्लास। ओ भाई साहब, तो गाड़ी ब्लास्ट तो नहीं हो रहा, ट्राई करेंगे अभी फिर से एक बार। ओ भाई गाड़ी शेफ ने उड़ा दिया पूरी तरीके से। तो अभी जितने बंदे इन लोगों को फिनिश करते हैं, क्योंकि हम लोग स्विच भी करना पड़ेगा आगे साइड में। अभी भी आगे साइड में बहुत सारे बंदे हैं, तो दो व्हीकल तो अभी तक ब्लास्ट हो चुके हैं। तो बुलेट्स की कमी है नहीं, 416 बुलेट्स है, रीलोडिंग भी कंटिन्यू चलेगी, तो दिक्कत तो है नहीं बिल्कुल। 500 एमओ दे दिए गए हैं, तो बिल्कुल चला सकते हैं कंटिन्यू जितना गोलियां, क्योंकि ये गन्स हम लोग की अनलॉक नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग जब M&M शॉप पे गए थे वहाँ पे परचेस नहीं हो पा रही थी ये गन। वहाँ पे हम लोगों को शॉट गन AKM तक हमारी अनलॉक हो चुकी है, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास AKM है, SMG है, बट यही M4 नहीं है उसके पास अभी तक। तो
तो अभी देखते हैं आगे कितने देर में हम लोगों का एम्पर और स्नाइपर जो है वो कंप्लीट खुल जाएगा, क्योंकि जितने भी बंदे हैं इन लोगों को मारने में तो भाई एम्पर से ही मजा आएगा। एक एम से भी मजे आ रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है, बट एम्पर में अलग ही मजा है भाई। तो हम लोग एक कलेक्शन बना रहे हैं उसमें पूरी तरीके से, जितने भी गन से सारे के सारे गोल्डन करके हम लोग स्किन लगा रहे हैं हर एक बंदूक पे। तो भाई इसको तो मारना होगा जल्दी से। रेज मोड मतलब भाई इसका नेक्स्ट लेवल है, गोली के साउंड ही अलग ले, एक गोली में देख रहा हूँ भाई सो जा रहा बंदा, रूट भी नहीं रहा। फिर से रेज मोड लेते हैं, ओ हो, और एक बचा हुआ आगे साइड पे, तो इस साइड से आ रहा वो, लेते हैं इसको भी। तभी और भी शायद बंदे आएंगे, देखते हैं। तभी और भी बंदे आ चुके हैं, तीन तीन मेरे को बंदे की लोकेशन तो दिख रही है, तभी उस साइड जाना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये दौड़ नहीं रहा ठीक से, पैदल पैदल जा रहा भाई, गन तो इतना भी फॉलो करना हमें शिप को। तो चलो भाई यहाँ पे कवर ले लेते हैं, वो रहे सारे के सारे बंदे, रेज मोड लेते हैं। ओ भाई थोड़ा सा मिस एम हो गया, ओ भाई दौड़ ले बेटा दौड़ ले, कितनी दूर दौड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पे एक आ चुका है, राइट साइड पे बहुत काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं भाई यहाँ। तो रेज मोड की थोड़ी सी एबिलिटी लेंगे थोड़ी थोड़ी देर देर करके, रनिंग शॉट्स ले लेते हैं जल्दी जल्दी से, निपट जाएंगे सारे के सारे। ओ भाई चलो सो जाओ सभी को, गुड नाइट का टाइम हो चुका है। अभी और पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और एक कार, दो कार पहुँच गया भाई, एक को तो भाई चलती गाड़ी पे हेड लग गया शायद, वो गिर गया। रेज मोड हमारा ऑन लेते हैं। और अरे ये क्या भाई, कर्सल भाई साहब ऊपर ही नहीं गया वहाँ पे। अभी भी हमारे पास एटलीस्ट 111 गोलियाँ हैं एक्स्ट्रा में, रिलोडेड अभी तक है 88, अभी भी बहुत सारी गोलियाँ, टेंशन नहीं है। तो इन सबको तो मार ही देंगे आराम से। ओ भाई तेरी के भाई, इतने ओपन से गोली, हमारे पास कवर है ब्रो। तो ये बचने वाले तो है नहीं बिल्कुल भी मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इतनी देर में तो भाई इन सबकी 12 बज जाएगी। अब तो कुछ साइड साइन तो आ रहा मेरे को जहाँ तक गोली, वो देखो कार के पीछे छुपा हुआ, इस वजह से मेरे को दिख भी नहीं रहा था वो। लग जा भाई, लगा हेड है शायद जहाँ तक मेरे को लगता है, इसको भी लग चुका है हेड। तो अब इकलौता बंदा बचा, शॉटगन है हमारे पास, रेडमिट में शॉटगन की भी रेंज काफ़ी तगड़ी है। वो देखो शॉट्स लगा उसको, वो मर गया अभी तक, देख रहे हो भाई साहब, मतलब शॉटगन की रेंज क्या ही तगड़ी है भाई। वो हमारे पास 177 बुलेट्स हैं ब्रो, क्या ही मतलब गोलियां भरी हो भाई, SMG है हमारे पास। तभी जो हमें शेफ बुला रहा है, तो जल्दी से चलते हैं शेफ के पास, हमारे एम्पर की गोलियाँ ख़त्म हो गई, पिस्तल है हमारे पास, शॉटगन है। तो जितने भी क्लोज रेंज में बंदे आएंगे शॉटगन से, तो हम लोग लपेट लेंगे सभी को एक ही बार में, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग को कवर लेना है, तो बंदे आगे साइड से डोर साइड से आएंगे। तो यहाँ पे बंदे तो आ चुके हैं भाई, ग्लास में दाग लग चुका है, तो हम लोग एक गोली में ही तोड़ सकते हैं ग्लास को, क्योंकि शॉट गन है भाई हमारे पास, डबल बैरल ब्रो, S686। तो भाई ड्राइवर सही में मतलब जहाँ बंदा रहेगा ना वहाँ पे मार नहीं हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और भाई इसकी रेंज मोड की एसेबिलिटी क्या ही मजे देती है भाई, मतलब बुलेट्स आग वाली होती जाती है। तो अभी मात्र एक बंदा बचा हुआ है शायद, ख़त्म, दो बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हमारे टीम के साइड आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग रोड साइड से निकल गए हैं कार लेके। जो है वो लोग निकल चुके हैं पूरी तरीके से, तो वो लोग डर के भाग गए भाई, टाटा बाय भाई, डर जाओ बिल्कुल। तो अभी इन लोगों को निकालते हैं आइस बॉक्स से, देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुल्फी जम चुके हैं इन लोगों की। तो यहाँ पे निकल आए ये लोग, मिस्टर चैंग बैंग और उसका वर्कर। ओ भाई देख लो मतलब जम चुका है, तो बिल्कुल सही तरीके से हमारा मिशन निकल चुका है यहाँ से, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई। यहाँ पे शेफ भाई, शेफ के पास क्या ही मतलब सामान है भाई। और भाई मतलब ड्राइवर का गुस्सा भाई मतलब पूछो ही मत, नेक्स्ट लेवल वाला गुस्सा है इसका। तो ये हमारा हो चुका मिशन कंप्लीट, आगे का और भी मिशन देखने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।